चैप्टर है इज मैटर अराउंड अस प्योर एम, चैप्टर है नाइन्थ क्लास का। तो इसे मैं एम एंट्रेंस के लिए पढ़ा रहा हूँ बेटा आपके लिए। सबसे पहले जो मैंने जी ग्राफ बनाया है आपके लिए, ये सारे पढ़ाऊंगा मैं आपको तरीके से। भाई हमने मैटर पढ़ा है बहुत पहले, हम पढ़ के आ रहे हैं मैटर, स्टेट पढ़ के आ रहे हैं, लिक्विड सॉलिड गैस वगैरह पढ़ के आ रहे हैं। जो मैटर होता है वो दो फॉर्म में होता है, एक तो प्योर सबस्टेंस होता है और एक होता है हमारे पास इम्प्योर सबस्टेंस, जिसको अपन मिक्सचर भी कह सकते हैं। इसका फर्दर क्लासिफिकेशन मैंने किया है। तो ये प्योर सबस्टेंस दो टू टाइप्स का होता है, एक तो है एलिमेंट और एक हमारे पास कंपाउंड। जो एलिमेंट्स होता है वो फर्दर अगेन तीन फॉर्म में होता है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स। मेरी बात ध्यान समझना बेटा, मैं पढ़ाऊंगा अभी। मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। एलिमेंट्स तीन फॉर्म में होता है बेटा, मेटल, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। कंपाउंड दो ही होते हैं, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है बेटा। लेकिन इनप्योर जो सबस्टेंस जो मिक्सचर है, जैसे कि माना सुगर का सॉल्यूशन है, चीनी पान ले लो, मिक्सचर है। एक तो होता है होमोजेनियस मिक्सचर, इसे बोलते हैं हम लोग ट्रू सॉल्यूशन। क्या बेटा? होमोजेनियस मिक्सचर को बोलते हैं हम लोग ट्रू सॉल्यूशन। एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जिसे बोलते हैं हम लोग हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये टू टाइप्स का होता है, कोलाइड्स एंड सस्पेंशंस। ये मैं आपको इनकी सबकी पढ़ाऊंगा भाई डेफिनेशन, इन सबके एग्जाम्पल लिखाऊंगा मैं आपको। अब जैसे कि मैंने बताया प्योर सबस्टेंस, भाई देखो प्योर सबस्टेंस क्या होता है, जो कि एक काइंड ऑफ पार्टिकल से फॉर्म होता है, उसको हम लोग प्योर सबस्टेंस कहते हैं। जैसे गोल्ड होता है, CO2 होता है, वाटर होता है, एटसेट्रा होता है। मैंने बनाया है बीनो दैट दैट आर मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ पार्टिकल इज नोन एज प्योर सबस्टेंस। एग्जाम्पल लिया है प्योर गोल्ड है, सिलिकन है, मरकरी है, वाटर है, एटसेट्रा। तो ये बात समझ गए आप लोग, प्योर सबस्टेंस क्या है, जो वन काइंड ऑफ पार्टिकल से फॉर्म होता है। इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होता है, देखो जो इसकी प्रॉपर्टी मैंने बना के लिखा है आपको, दीज आर मेड अप ऑफ वन काइंड ऑफ पार्टिकल, एक प्रॉपर्टी। दीज आर होमोजेनियस, दो प्रॉपर्टी, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं प्रॉपर्टी। दीज सबस्टेंस हैव कांस्टेंट प्रॉपर्टीज सच एज, जैसे कि आपकी डेंसिटी है, डक्टिलिटी है, मेल्टिंग पॉइंट एंड वॉल्यूम पॉइंट है। ये इसकी प्रॉपर्टी है, किसकी, प्योर सबस्टेंस की प्रॉपर्टी है। हम दोबारा बता दें कि जो प्योर सबस्टेंस होता है वो वन काइंड ऑफ पार्टिकल से फॉर्म होता है, वन काइंड ऑफ पार्टिकल से फॉर्म होता है, जैसे कि प्योर गोल्ड है, सिलिकन है, मरकरी है, CO2 है, एटसेट्रा। यदि इसकी हम प्रॉपर्टी की बात करें तो दीज आर मेड ऑफ द वन काइंड ऑफ पार्टिकल, दीज आर द होमोजेनियस मिक्सचर होता है ये। इसकी यदि प्रॉपर्टी बात करें तो कॉन्स्टेंट, जैसे कि डक्टिलिटी होती है ना, मेल्टिंग पॉइंट, वॉल्यूम पॉइंट, डेंसिटी एटसेट्रा प्रॉपर्टीज की होती है। तो ये इसका आप लेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे और नोट करेंगे। अब मैं आगे इनकी प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा सबकी, प्लीज आप नोट करिएगा स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है बेटा। तो हम बात करेंगे, जैसे कि हमारे पास इनप्योर सबस्टेंस होता है, सिंपल सी बात है, वो टू और मोर कंपोनेंट से बनता है। जो इम्प्योर हमारे पास सबस्टेंस है, मैंने क्या लिखा है कि दो सबस्टेंस इन विच आर मेड अप बाय मिक्सिंग टू एंड मोर सबस्टेंस इन एनी प्रोपोर्शन आर नोन एज इम्प्योर सबस्टेंस। इसको अपन मिक्सचर भी कहते हैं। जैसे आपने माना कोई ग्लास ले लिया, मान लिया आपने कोई ग्लास ले लिया, मान लिया इसमें आपने सुगर डाल दिया और इसमें आपने बॉटर मिला दिया, तो इसमें जो मिक्सचर बना है ना वो टू एंड मोर कंपोनेंट, पानी भी है मिला दिया, मिक्सिंग कर दिया, तो इसे बोलते हैं हम लोग मिक्सचर भी कह सकते हैं। क्या है कि दो सबस्टेंस इन विच आर मेड बाई मिक्सिंग टू और मोर सबस्टेंस इन एनी प्रोपोर्शन आर नोन एज इनप्योर सबस्टेंस। इसको अपन मिक्सचर भी कह सकते हैं। और इनप्योर सबस्टेंस टू टाइप्स का होता है, नंबर वन एलिमेंट, नंबर वन एलिमेंट। एलिमेंट में क्या होता है कि एलिमेंट जो होते हैं ना,
जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स आर दोस प्योर सब्सटेंस विच आर मेड अप ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स। जो एलिमेंट्स है, जैसे कि माना मेरे पास N2 है, Cl2 है, O2 है, एटसेट्रा, मतलब कि वो एक ही एटम से बने होते हैं। एलिमेंट क्या होता है? एक ही एटम का बना होता है, N2, Cl2, O2, एटसेट्रा। ठीक है, क्या लिखा? एलिमेंट्स आर दोज प्योर सब्सटेंस विच आर मेड अप ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स, कैल्शियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एटसेट्रा। इसकी प्रॉपर्टी में पढ़ाऊंगा आपको कि जो एलिमेंट्स होते हैं वो होमोजीनियस होते हैं, क्योंकि वो एक ही एटम से बनते हैं। एलिमेंट्स कैन नॉट बी ब्रोकन इनटू सब्सटेंस, इनको हम तोड़ नहीं सकते, ब्रेक नहीं कर सकते। जैसे हाइड्रोजन है, वाई अप्लाइंग ऑफ हीट एंड लाइट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एलिमेंट्स कैन एग्जिट इन फ्री स्टेट और इन द कंबाइंड स्टेट। जैसे कि आपका मान लो हीलियम है, ऑर्गन है, नियोन है, जीनोन है, एटसेट्रा। इसमें क्या है कि एलिमेंट कैन एग्जिट इन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। जो एलिमेंट्स है उनकी तीन फॉर्म में होता है, लेकिन रूम टेम्परेचर पर होता है। वो गैस में हो सकता है, लिक्विड में हो सकता है एंड सॉलिड में हो सकता है। ठीक है बेटा, जो कि मैंने बताया था आपको एक बार, और इनकी भी तीन फॉर्म होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल की बात करूं तो मैटर्स आर मैलेबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, हाई डेंसिटी होती है, हाई मेल्टिंग एंड वॉल्यूम पॉइंट होता है इसका। ठीक है, और जो नॉन मेटल, इसकी अपोजिट प्रॉपर्टी होती है, नॉन मैलेबल, नॉन डक्टाइल, वेड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड लो मेल्टिंग एंड वॉल्यूम पॉइंट एंड डेंसिटी। जो मेटलॉइड्स होते हैं एज एलिमेंट विच इज नॉन मैनेबल, डक्टाइल, सब प्रॉपर्टी आप पढ़ लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। और जो मेटलॉइड्स है, द एलिमेंट्स विच पॉसेस सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड अदर प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, दोनों की प्रॉपर्टी जब मिक्स होती है वहीं से बनता है आपका मेटलॉइड्स। ठीक है बेटा, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है, वहीं से बनता है हमारा मेटलॉइड्स। दे मेटल आर नोन एज सेमी मेटल्स, इनको अपन सेमी मेटल भी कहते हैं। दे आर नाइदर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि सिलिकॉन है, आर्सेनिक है, वोरोन है एंड जर्मेनियम है। ये बात याद रखनी है। मेटल्स में कुछ एक्सेप्शन भी है, जैसे कि मेटल्स आपने बता दिया कि मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं, सॉलिड फॉर्म होते हैं, लेकिन उसमें कुछ एक्सेप्शन है। जैसे कि मरकरी है, मरकरी लिक्विड होता है एट रूम टेम्परेचर, गैलियम है एट रूम टेम्परेचर लिक्विड होता है, तो इसमें एक्सेप्शन भी है, पढ़ते रहेंगे समझते रहेंगे। एक बार दोबारा देखेंगे बेटा कि जो मैंने बताया था कि इम्प्योर सब्सटेंस होता है वो टू और मोर मिक्सिंग सब्सटेंस का बनता है, जिसमें कि हमने मान लिया शुगर का ले लिया। प्रॉपर्टीज इसकी जो होती है इम्प्योर सब्सटेंस की, मिक्सचर भी कह सकते हैं इसको, और मिक्सचर टू टाइप्स का होता है। मैंने बताया था आपको, पहला एलिमेंट है, एलिमेंट आर दोज प्योर सब्सटेंस विच वन काइंड्स ऑफ एटम, एक ही एटम से बनता है, उसको हम एलिमेंट्स कहते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इसकी प्रॉपर्टीज हैं। एलिमेंट्स आर होमोजीनियस बिकॉज, क्योंकि ये केवल सिंगल काइंड से बना होता है। एलिमेंट्स कैन नॉट बी ब्रोकन, इसे हम तोड़ नहीं सकते। इनटू सब्सटेंस बाय अप्लाइंग, इसमें हीट भी अप्लाई होती है, लाइट भी अप्लाई होती है एंड इलेक्ट्रिसिटी भी अप्लाई होती है। एलिमेंट्स कैन एग्जिट इन फ्री स्टेट, जो एलिमेंट होता है वो फ्री स्टेट में एग्जिट करता है, इन और इन द कंबाइंड स्टेट, जैसे कि आपका हीलियम है, ऑर्गन है, जीनोन है, नियोन है, एटसेट्रा। ठीक है, एलिमेंट्स कैन एग्जिट इन सॉलिड, ये जो एलिमेंट्स है तीनों फॉर्म में होता है, सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में भी होता है और गैस में भी होता है। ठीक है बेटा, उसके बाद हमने बात की थी कि टाइप्स ऑफ एलिमेंट ऑन द बेसिक ऑफ प्रॉपर्टीज। मेटल्स होते हैं, ये आपकी प्रॉपर्टीज है कि मेटल्स आर कैसे होते हैं बेटा, मेटल्स आर मैलेबल होते हैं, डक्टाइल्स होते हैं, लस्टर होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं,
ठीक है बेटा। तो ये चीज मैटर हार्ड भी होते हैं जिनकी हाई डेंसिटी और हाई मेल्टिंग एंड वॉल्यूम पॉइंट होता है, लेकिन नॉन मेटल की जो प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट होती है, जस्ट अपोजिट होती है इसके। और जो मेटलॉइड्स है उसमें दोनों की प्रॉपर्टी सिमिलर होती है, जिनको हम लोग सेमी मेटल भी कहते हैं। ये बात हुई हमारी इस चीज की, है ना बेटा। तो हम आगे यहां से बढ़ेंगे, पहले आप इसे स्क्रीन शॉट लीजिए, नोट कर लीजिए इस तरीके से बेटा, और फिर यहां से हम आगे आगे बढ़ेंगे। ओके बेटा, नोट।